नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल लाइव कहानी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के महान आदिवासी नेता, अभियंता और समाज सुधारक कार्तिक उरांव जी का, जिन्होंने आदिवासियों की खोई हुई ज़मीन को वापस दिलवाया तथा आदिवासियों की आरक्षण अवधि को आगे बढ़ाया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक उरांव जी का जन्म 29 अक्टूबर 1924 ईस्वी को गुमला जिले के करौंदी प्रखंड के लीटाटोली नामक गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जायरा उरांव और माता का नाम बिरसी उरांव है। उनका जन्म कार्तिक महीना के पूर्णिमा के दिन में हुआ था, इसलिए उनका नाम कार्तिक रखा गया। वह मैट्रिक की परीक्षा गुमला से पास करके आगे की पढ़ाई के लिए पटना चला गया। पटना के साइंस कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया तथा बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से उन्होंने बैचलर की डिग्री हासिल किया। इसके बाद कार्तिक उरांव ब्रिटेन चले गए, जहाँ उन्हें इंजीनियर की नौकरी मिली। वह 9 वर्षों तक विदेश में रहे। 4 जून 1950 को उन्होंने सुमति उरांव से शादी किया। कार्तिक उरांव ने ब्रिटिश सरकार को 1959 ईस्वी में दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमेटिक पावर स्टेशन का प्रारूप दिया, जिसके परिणामस्वरूप आज ब्रिटेन में हिंकले न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। 1959 ईस्वी में ब्रिटेन में कार्तिक उरांव जी का मुलाकात भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुआ और नेहरू ने उन्हें भारत आने का आग्रह किया। 1961 ईस्वी में कार्तिक उरांव एक कुशल इंजीनियर के रूप में भारत लौटे। भारत आने के बाद कार्तिक उरांव जी ने झारखंड के रांची के HEC में सुपरिटेंडेंट कंस्ट्रक्शन डिजाइनर के रूप में योगदान दिया। बाद में उन्हें डिप्टी चीफ इंजीनियर का पद प्राप्त हुआ। आदिवासियों की खराब हालत को देखकर श्री कार्तिक उरांव जी को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पहली चुनाव 1962 ईस्वी में लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से लड़ा, परंतु इस चुनाव में वे हार गए। फिर 1967 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और इस बार वे जीत गए। वे 3 बार लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के सांसद बने एवं 2 बार मंत्री भी बने। उन्होंने 1 बार संचार मंत्री तथा 1 बार पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में योगदान दिया। 1968 में जब भूदान आंदोलन चल रहा था, तब आदिवासियों की जमीन बहुत ही कम भाव में बिक रही थी तथा आदिवासी भूमिहीन हो रहे थे। तभी कार्तिक उरांव जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अपील किया कि आदिवासियों को भूमिहीन होने से बचाएं। तभी इंदिरा गांधी जी ने भूमि वापसी अधिनियम बनाकर आदिवासियों की जमीन वापस कराने की व्यवस्था की। दोस्तों, अगर कार्तिक उरांव जी नहीं होते तो आज आदिवासियों के पास एक भी जमीन नहीं होता। 26 जनवरी 1980 ईस्वी को जब संविधान में आदिवासियों की आरक्षण की अवधि समाप्त हो रहा था, तब कार्तिक उरांव जी ने आरक्षण अवधि को आगे बढ़ाने के लिए जोरदार आंदोलन कर दिया। इसके परिणामस्वरूप आज हम लोग शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठा पा रहे हैं। ट्राइबल सब प्लान कार्तिक उरांव जी ने ही बनाया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार आदिवासियों के विकास के लिए योजना बना रही है। उन्होंने आदिवासियों के धर्म परिवर्तन का भी विरोध किया तथा बहुत सारे आदिवासियों को हिंदू तथा मिशनरी धर्म में मिलने से बचाया। रांची में बिरसा कृषि विद्यालय की स्थापना कार्तिक उरांव जी का देन है। उन्होंने 1968 ईस्वी में भारतीय आदिवासी परिषद का गठन किया। दोस्तों, ये महान शख्सियत आज हमारे बीच नहीं है। कार्तिक उरांव जी का मृत्यु संसद के गलियारे में गिरने से हुई। दोस्तों, कार्तिक उरांव जी ने आदिवासी के लिए जो किया है, उसे आदिवासी लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। उनके इस महान कार्य के लिए उन्हें प्यार से लोग झारखंड का काला हीरा कहते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें प्यार से बाबा कार्तिक साहब कहते हैं। दोस्तों, कार्तिक उरांव के महान काम को मान्यता देते हुए
गुमला में उनके नाम पर कार्तिक उरांव कॉलेज है। रांची के रातू में कार्तिक उरांव महाविद्यालय है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग ऐसे ही एक महान शख्सियत के बारे जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।